सेंसी दिखाइयो। लॉन्डे पूछ रहे थे लास्ट बीजेपी बहुत जल्द आएगा, कब आएगा सेंसी रिवील सेंसिटिविटी। क्या अलग ही कलर्स के जूते हैं ना। हेलो एवरीवन, स्वागतम आप सभी का। आज के दिन हम वापस से आ चुके हैं, ऑब्वियसली हर दिन ही आते रहेंगे, लेकिन आज एक अलग दिन है। आज हम जा रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स पे इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन रूटर। एंड जैसा मैंने पहले ही बताया, स्टार स्पोर्ट्स पे कास्टिंग होगी, बट थोड़ी इन्फॉर्मेटिव कास्टिंग होगी, लोगों को बेसिक समझाने हैं। सो टीवी पे बहुत बेसिक तरीके की कास्टिंग करने वाले हैं हम लोग, तो आप लोग बताना वो बेसिक्स आपको कैसे लगे कैसे नहीं। ऑब्वियसली जो लोग यू नो गेम को फॉलो करते हैं उनको तो बहुत बोरिंग लगेगा फॉर द स्टार्ट, बट जहाँ पर हाइप मोमेंट्स होंगे, जैसे वो मोमेंट्स होंगे, वहाँ पर हम लोग प्रॉपरली हाइप करने की कोशिश भी करेंगे कितना ज़्यादा किया जा सकता है कितना नहीं। सो आज थोड़ा डिफरेंट दिन है, बाकी जा करके प्लेयर्स और टीम से मिलेंगे एंड लेट्स सी कि उनकी क्या बातें चीतें चल रही हैं। बाय द वे, परफ्यूम्स के शौक में जैसे मैं घुसा था, एक और नाम है जो पूरी रिसर्च कर करके परफ्यूम्स के अंदर घुस रहे हैं। ये हमारे लेकर के आए हैं हमरा। हेलो सर, ये बताओ कितनी बढ़िया लग रही है आपको ये परफ्यूम है? परफ्यूम नहीं लग रही ना? चलो गाइस, हम गए हैं पहुंच फाइनली वेन्यू पे। सेठ भाई ऑलरेडी बेइज्जती कर रहे हैं हेक्टर की। यहाँ बाकी सारी टीम है। और तुम्हारी पता है जुल्फे बहुत ज्यादा वो लगती है सेक्सी एकदम, बट शक्ल देख के ना एकदम मतलब हालत खराब हो जाती है लोगों की। क्या मतलब मेरी शक्ल खराब है? अगर तुम बोल रहे हो तो होगी, बट अब बोलेंगे सेंसे और K47 की शादी हो गई। भाई लेकिन एक बार जुल्फे खोलियो, एक बार खोलना भाई 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 लड़की, और ये धोखा तेरी बंदी है ये। बाय द वे बधाई हो, वेलकमिंग टू रेवेनेंट एज अ फिफ्थ प्लेयर जो पता नहीं कब खेलेगा। कब खिलवा रहा है इसको? और बोल के कौन रहा है एज अ कास्टर जो पता नहीं कब करेगा टीवी पे लाइव? ये तो मैं कट कर दूंगा। आज है बाय द वे, बाय द वे आज कास्टिंग टीवी पे है। हां पता है मुझे, तभी तो बोल रहा हूं। अच्छा एक बात बता, कब खिलवाएगा इसको? इसे देखते हैं, जब हम बुरा खेलना चाहेंगे तब से बुलाएंगे। जब बुरा खेलना चाहेंगे तब बिल मेरे पे फटेगा। सोचो एक मिनट, अगर ये कर लिया ना तो ये मैम आपको पप्पी देगी। भाई ये मैम पप्पी देते हैं, बस दाढ़ी चुभेगी मैम की, दिक्कत ही है। मैम अपने अपर लिप करवा लो। सिड भाई कैसे हो? तुम लोग किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, किसके अगेंस्ट? दो नूब। सिड भाई एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ, दूर से देखो। बालकोल भाई मन नहीं डगमगा जाएगा हल्का सा एक बार? लेकिन मैंने बोला मैडम को अपने अपर लिप करवा लो, थोड़ी दाढ़ी मतलब मुझे ज्यादा है, थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा? बट भाई मन डगमगाएगा भाई। हाँ और भाई जान कैसा चल रहा है, आप बताओ कैसे हो? जूते देख के बताओ कैसे लग रहे, काफी हमने आज एक अतरंगी सा डिजाइन लिया जूतों का। अब तुम्हारा जूतों वूतों का शौक है कि चला गया? पैसे नहीं है क्यों? क्यों वो जीतने जो जीते थे इतने सारे लड़के, इंडिया की सबसे बड़ी जीत, ज्यादा पैसे साल हो गए, कितना साल हो गए, डेढ़ साल हो गए, खर्च के पैसे तो भाई कहाँ खर्च हुए, ऐसे कहाँ खर्च हुए भाई? मतलब समझो ना घर के प्रॉब्लम्स, ऐसे पैसे चला जाता है जल्दी जल्दी। ये जो हंस के बोल रहा है प्रॉब्लम में, तो आदमी इतना हंसता नहीं है। नहीं नहीं सच में खत्म हो गया वो, डेढ़ साल पुराने पैसे कहाँ रह गए। MVP भी ये था, ठीक है, स्टार प्लेयर भी ये था, टीम इसकी जीती थी 75 लाख के ऊपर, 1 करोड़ तो तुमने वो एक्स्ट्रा प्राइस करके निकाला था। कैसी बात कर रहे हैं, पैसे गिनवा रहे हैं? नहीं तो मैं बता, मैं पूछ रहा हूँ पैसे का, कहता पैसे नहीं है मेरे पास, सोल में हो गए पैसे नहीं है। सेठ भाई आना एक सेकंड, क्या कह रहे, कहता पैसे नहीं मिलते हैं सोल, मतलब कह रहा है पैसे नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास।
अरे सैलरी वाला नहीं कह रहा हूँ। मैंने इसको पूछा कि जूते का शौक है तेरे को, तेरा अभी भी कहता जूते का शौक है लेकिन पैसे नहीं मिलते। इन लोगों सबको जूते का शौक है, फ्री में जूते मिलने का शौक है। दे रहे हो? अच्छा हैट्रिक निकाल दो तुम लोग, मैं जूता दूंगा सर पूरी टीम को, एक एक हैट्रिक निकलवा दो इनसे, चिकन की हैट्रिक। ये देख लो ये टीम प्लेयर है आपका, क्या क्या डील रखनी है। हैट्रिक निकाल दे, अभी कोई है नहीं, चिकन की हैट्रिक निकाल दे, चार जूते तेरे, ये चिकन की हैट्रिक निकलेगी लेकिन पक्का। ट्राई करूंगा अभी पक्का क्या। नहीं नहीं और एक और चीज, तुझे खेलता होना चाहिए उन मैचेस में पक्का। डन सीन, सोच ले। चार जूते चार जूते मैं दूंगा लेकिन चिकन की हैट्रिक होनी चाहिए। तीन आज के आज तीन चिकन है, चार जूते आज के आज तीन चिकन है, तू खेल रहा है चार जूते तेरे। सिड भाई मैंने करवा दिया, आज के आज तीन चिकन है तो चार जूते इसको मैं दूंगा, लेकिन आज के आज तीन चिकन आने चाहिए, बोल दो, नहीं तो आप गांड फाड़ दो इसकी। चिकन आ रहे तीन चिकन तो मेरे को और क्या चाहिए। चार जूते मैं दिलवाऊंगा बस, ठीक है मोटिवेशन दे रहा हूँ तेरे को। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए भाई, मुझे एक ही दिलवा दियो बस। पैसे नहीं है, पैसे नहीं। आप बताओ बढ़िया चल रहा है सब? बढ़िया चल रहा है सर। आप इतने टाइम बाद मिले यार। अरे सर आपसे तो हम डेली मिलते हैं व्लॉग्स में। सही है, आप बताओ कैसा चल रहा है सब? एकदम एक नंबर है। अरे नाइस। बाय द वे गॉब्लिन ने एक चीज बोली है, आज तुम लोगों के चार गेम्स चारों चिकन आएंगे, और तीन गेम्स तीनों चिकन आएंगे। आएंगे हमें गिफ्ट शायद, बता तो आएंगे पहले। आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं। हमेशा बोलो अगर एक मैच का मोमेंटम अच्छा बन जाता है तो हम फिर फाड़ देते हैं। क्या फाड़ देते हो? लॉबी। अच्छा मुझे कुछ और लगा था। टेक्निकली सेम ही बात है। नहीं यार हम बच्चे लोग हैं रोशन भाई, समझो छोटा बच्चा। तुम बच्चे पैदा कर दो ठीक है, बच्चे लोग हैं हम। ये भी कैसी गंदी बात है यार। अच्छा ओए होए 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 भाई 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 भाई, भाई लड़कियां बाहर तैयार हैं, भेजो भाई फोटोज के, हमारी भी खींच लिया करो यार कभी कोई। ओ तेरी भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, आए हाय 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 सेक्सी गमला बॉयज द डेफिनेशन ऑफ सेक्सी, कॉपीराइट डलवा दूंगा। क्या हाल है? बढ़िया। सुरेंद्र भाई एक बात बताओ, क्रिकेट वाले जो भी कमेंट्री टाइप्स रहते हैं सब चीजें रहती वर्सेस यहां पे जो आप पोस्टिंग करते हो, क्या डिफरेंस आता है? क्या आपको मस्त तो क्रिकेट ही लगता होगा ऑब्वियसली। हां वो तो ऑब्वियस है लेकिन बट मतलब क्या डिफरेंस आता है वहां के और यहां के काम के साथ? ये मत बोलना यार बजट कट से ये है वो है, बट बताना क्या डिफरेंस आता है भाई। तुम लोगों पे प्रेशर नहीं होता ना? अच्छा आप पे प्रेशर होता ज्यादा? हमारी पटके आत्माएं हुई होती है। कैसे? सो कोई ऐसे माइनर सा एग्जांपल टाइप अगर दे सको यार, व्हेन यू आर डूइंग क्रिकेट हां बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में रियलाइजेशन रहती है कि शिट पता नहीं कितने करोड़ों लोग देख रहे हैं। सो एनीथिंग मतलब ई-स्पोर्ट्स देखता ही नहीं कोई। आई एम सेइंग इन कंपैरिजन, हां नहीं ये बात तो है राइट। एंड अगर तुम स्टेडियम पहुंच गए तो वहां पे जो 80,000 लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर हूटिंग एंड दे आर धोनी धोनी कोहली कोहली स्लेजिंग यू राइट। तुम ऐसे लगते हो जैसे पिंजरे में कोई बंदर जो है वो चल के जा रहा है टू देयर पोजीशन। सो इट इज डैम हार्ड। Like I'm not saying this is not hard, but that's harder like, compared. No, that's like boss level in a video game. अच्छा boss level fight जो होती है। Correct. So boss level है भाई वो। मेरी तो फटके। Johnny आएगा? आ गया? Johnny के बिना show नहीं होता। मैं बताता हूँ देखो। देखो नहीं नहीं यहाँ के show में Johnny और वहाँ के gameplay में Jonathan, इनके बिना कुछ नहीं चलता बीच में अभी। भाई TV पे आ गए। हम लोग तैयार हैं properly. So yes, we're here. Start करने वाले हैं properly. चलो. कितने बड़े हो गए तुम? कितने बड़े हो गए तुम? 21. बधाई हो जन्मदिन की. Thank you भाई. आज कुछ ऐसे special है कुछ मतलब birthday पे कुछ chicken विकन निकालने का सोचा है? आज बहुत मारने वाला. किसको? सबको. मैंने सुना कुछ ऐसे बर्थडे पार्टी के अंदर कुछ कल की तरह 15 सेकंड में भर गए भाई। हाँ पूरा दिन बैठा 15 सेकंड खेला। हाँ कल हुआ क्या था तुम लोग 15 सेकंड भाई टीम एक्सपायर का ही 15 सेकंड में खत्म हो गई, क्या हुआ था? खराब हो गया गाड़ी, अपन कंपाउंड कूदे दो टीम कूद गई, दो दो बंदों में चार चार बंदे। कोई नहीं हैप्पी बर्थडे भाई, इसको इसको वो दिए बर्थडे वाली लाते वाते मुक्के जो होते भाई। लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी लड़ाई होगी भाई। कौन है सिस्टम बदल रहा है?
रेक बेरे बाड़ने मोटर पे लक्ष्मी डर। ओमेगा भाई बाय द बाय, आपके आज आपके टीम के स्टार फ्रैगर ने एक बात बोली है, आज हैट्रिक निकालेगा चिकन की खेलते हुए। क्या? आज ये लौंडा हैट्रिक निकालेगा चिकन की खेलते हुए। निकाल सकता है बिल्कुल, अगर ये चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन मतलब चाहता नहीं है वैसे तो। बट आज निकाल देगा ना पक्का, देख ले बहुत चीजें दांव पे लगी हैं। अच्छा एक बात बता, अपनी सेंसी दिखाई वाली दिखा दे, रूम एग्जिट कर दूं, मुक्का तो नहीं मारेगा ना, मुक्का तो नहीं मारेगा ना। ठीक है भाई, लौंडा सेंसी दिखा रहा, अच्छा लग रहा है मेरे को, सेंसिटिविटी भाई ये होती है इंडिया के बेस्ट असॉल्टर की सेंसी। सोल का बैटमैन। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ऑल द बेस्ट गाइस। ओए 16 नंबर की जर्सी सेंसी दिखाइयो। लौंडे पूछ रहे थे लास्ट बीजेएमएस, बहुत जल्द आएगा, कब आएगा सेंसी रिवील? सेंसी बहुत जल्द भाई, जिस दिन जॉनी ने अपनी सेंसी रिवील कर दी ना, मैं बता रहा हूँ वो वीडियो गेमिंग पे ट्रेंडिंग पे रहेगी, तुझे पता ये बात? कैंपर है जॉनी, तुझे पता है ये बात? जिस दिन तूने तेरी सेंसी रिवील कर दी ना, वो वीडियो ट्रेंडिंग पे रहेगी यूट्यूब पे, बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द कब बता? अगस्त में आएगा है, अगस्त में आएगा सेंसी रिवील बीजेएमएस के बाद, पक्का बीजेएमएस के बाद सेंसी रिवील जॉनी की। अब दिखा एक सेकंड, एक बार पता क्या है, सेटिंग्स में जा, देख सेटिंग्स में जा, सेंसी आएगी। इसकी सेंसी क्या है जॉनी की? 400 आ जाएगा तुम्हारा परफॉर्मेंस। क्यों क्यों मूड नहीं है, ठीक है, मजा नहीं आ रहा टूर्नामेंट में। एक मस्त सी चीज पूछूं, अंदर से तो बोल रहा होगा ना पूछ, बट सेंसी दिखाइयो हल्की सी यार, मेरी सेंसी। हाँ भाई ओमेगा भाई, आपको पता आप कितने बड़े असॉल्टर हो? काश ऐसा होता। ओमेगा भाई लड़कियां पूछ रही थी आपकी सेंसिटिविटी के बारे में, कह रही थी ओमेगा बहुत सेंसिटिव है या नहीं है। ऑल द बेस्ट भाई। अरे भाई टीम देख रहे हो, एक्स टीममेट्स, और मैंने सुना कल तुम 4 घंटा वेट किए 15 सेकंड के गेम के लिए। वो क्या था? अब वो ठीक है, आप सबको बता मुझे, बता कंटेंट क्यों ले रहे हो, चीज बताना बताना। कल उतरते ही मर गए तुम लोग, ये सीरियस है, ये सीरियसनेस है, ये सीरियसनेस है। हम लोग देखने आए थे मैच को, स्काउट भाई की नीड है, मैं बता रहा हूं, जैसे स्काउट भी आ जाएगा ना मैं फिर से, स्काउट भाई वापस आ जाओ, ऑल द बेस्ट। वैसे सैनो वाला थोड़ा, सैनो को वाला थोड़ा अच्छा, कुछ अलग करने वाले क्या सैनो को, मतलब कुछ अलग होता, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है थोड़ा, बाकी दो चिकन तो आ, अच्छा दो चिकन आ रहे, चल कोई नहीं। 3, 2, 1, let's go. Start हो रहा है. Star Sports. Let's give them a good show, guys. Let's give them a good freaking show. Shadow देखना चाहते हैं, उनके हाथ में DBS है, क्लोज रेंज में ये वेपन बहुत ज्यादा सही रहता है, लेकिन पीछे के खिलाड़ियों को उन्होंने नहीं देखा, जिसके कारण मुश्किलें बहुत ज्यादा बन चुकी थी। अब बची है मात्र दो टीमें यहाँ पे, एक तरफ केमिन है जिनके खिलाड़ी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, दूसरी तरफ इनसेन, लेकिन उनको ब्लू जोन का डैमेज ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो अब बचे हैं सिर्फ एक खिलाड़ी आदि। आप उनके आगे लाल निशान देख सकते थे, जिसको कि जल्दी खत्म किया जाएगा, और उसी के साथ साथ केमिन अपने लिए आज के दिन पहले गेम में उठाती है एक बहुत ही बेहतरीन विनर विनर चिकन डिनर, मतलब 15 अंक गई। डेफिनेटली सेलिब्रेशंस में आपको बता देता हूँ एक अलग लेवल की होंगी, बट वहीं पे अभी ही इज स्टिल ट्राइंग, और उनकी नजरों के सामने क्या जोन के बाहर से चिकन आएगा? वेल शॉट्स अभी ने लिए हैं, लेकिन जोन का डैमेज, और जादू खुद को सेफ रखना चाहते हैं, और देखते ही देखते वन प्लेट का आया है चिकन डिनर, क्या होगा डांस, क्या होगा सेलिब्रेशन,
और कैनरी अपने नेचुरल एलिमेंट में आ चुके हैं। सिर्फ ये प्लेयर कुछ अलग ही है, काफी देर तक सर्कल के अंदर रहे, अरे सारे फाइट्स इन्होंने अवॉइड किए, एंड नाउ हियर ही इज टू रूल द स्टेज एंड मेक अ स्टेटमेंट फॉर हिमसेल्फ। वन ब्लेड टेक अ बाउ, वन ब्लेड कैनरी, वन ब्लेड रॉकस्टार, वन ब्लेड जादू, वन ब्लेड हीरो, लेकिन हमेशा हमेशा एक नई जान इस इवेंट में डाल देते हैं कैनरी, अपने डांस से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने फन से। गेम के अंदर खुद को लेकर के जा जरूर चुके और ये फोकस उनका हटना नहीं चाहिए, लेकिन मान्या का जो ग्रेनेड है वो चीजें हटा जरूर सकता है, बदल जरूर सकता है। पता चला साइड से प्लेयर्स आए और देखते ही देखते एक एक करके टीम ब्लाइंड ने बाहर किया है। टीम ब्लाइंड ये जो खिलाड़ी है डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस मेंटालिटी लेकर के चल रहे हैं और टीम ब्लाइंड डेफिनेटली खुद के लिए ये गेम परोस सकती है। कैसा रहा तुम्हारा दिन? एवरेज का भी एवरेज एवरेज का भी एवरेज, थोड़ा प्लस माइनस हुआ भाई। एक तो वो रियोस वगैरह सब चीजें उल्टी सीधी काफी हुआ, कोई नहीं, कल बाउंस बैक। आज तो तुम लोगों ने, लेकिन आज तो तुम लोगों ने इस पे सोच रखा ना, मेरे को सैनो का समझ नहीं आया। बूट कैंप पे दो बार मतलब उतरे तुम लोग मस्त एकदम प्रॉपर, क्या बदला लेने के लिए उतरे? सेकंड टाइम क्या सीन था? चलो गाइस, अब तो हर कोई अपने अपने जगह पे जा चुका है। आज तो थोड़ा लेट खत्म होता बिकॉज ऑफ द रीहोस्ट, बट कोई नहीं, ये चीजें चलती रहती हैं। आप लोग बताओ, आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? बढ़िया लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। खाना कहाँ पड़ा है भाई? खाना खाना, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज्यादा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो तक के लिए, से 500K सब्सक्राइबर्स कर दो। चलो बाय बाय।